जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। पूरा मामला फिरोजाबाद के नालबन चौराहा थाना दक्षिण क्षेत्र उर्वशी रोड का है, जहां पर जूते चप्पल की दुकान में अज्ञात कारण के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें रखा माल आग की चपेट में आ गया और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दुकान स्वामी मोहम्मद शारिक ने बताया, रात में करीबन 2 बजे अज्ञात कारण के चलते उनकी दुकान में आग लग गई, जिसकी सूचना उनको जैसे ही लगी वह तुरंत भागते हुए अपनी दुकान पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन उसमें रखा माल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं जागीर पहलवान, उद्योग व्यापार मंडल सेंटर चौराहा अध्यक्ष। क्या हुआ, कहाँ का मामला? ये नालवन चौराहा है, ये नसीम अख्तर हैं, इनकी दुकान है जूते चप्पल की। यहाँ पर रात को करीब 1:30-2 बजे करीब यहाँ पर आग लग गई थी, और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने इनको बताया, सूचना दी। सूचना के अनुसार यहाँ पर लोग आए, उसको रात को मतलब बुझाई आग को बुझाने के बाद यहाँ पर करीब उनका 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किस चीज़ की दुकान थी? जूते चप्पल की दुकान। आग कैसे लग गई? अम्बित शर्मा, महानगर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। नसीम जी की दुकान है ये जूते की, जो कि थाना दक्षिण के अंतर्गत आती है नालवन चौराहा पर। रात्रि को 1:30 बजे इसमें आकस्मिक रूप से आग लगजनी होती है। आगजनी से इनका बताते हैं 1.5-2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान को सरकार को ये चाहिए कि इसकी जांच करके इसकी भरपाई की जाए। किसी गरीब परिवार को रोजी रोटी देना, किसी गरीब परिवार का पालन पोषण करना, किसी गरीब परिवार की देखभाल करना, किसी गरीब परिवार की परवरिश करना, ये सरकार जो है हम लोगों के द्वारा जो चुनी गई हैं, इन सरकारों का ये काम है कि वो व्यापारियों का जो नफा नुकसान हुआ है उसका आकलन करे और उसे मुआवजा दे। ये व्यापार मंडल की मांग है, और ये व्यापारी लोग सब सिटी मजिस्ट्रेट SDM से मिलकर लिखित रूप से ज्ञापन भी देंगे कि इनकी नुकसान का आकलन कराएं कि इनका कितना नुकसान हुआ है, और इनको जो है जो उचित मुआवजा हो वो भी चलाने की मांग की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। व्यापार मंडल थाना क्षेत्र में थी, थाना दक्षिण के अंतर्गत आता है, मैंने बोला था थाना दक्षिण के अंतर्गत है।